हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों ऑन डार्क एनर्जी रिव्यू ऑफ गुलाबो सिताबो। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इसकी रेटिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए अभी रेटिंग की बात नहीं करते हुए हम बात करेंगे इसकी स्टोरी की, डायरेक्शन की और एक्टर की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी कोई न्यू मूवी का रिव्यू आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करें गुलाबो सिताबो की, तो इसको डायरेक्ट किया है शुजीत सरकार, जिन्होंने इससे पहले विक्की डॉन और अक्टूबर पीकू जैसी काफ़ी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। तो अगर आपको शुजीत सरकार की डायरेक्शन पसंद है तो ये भी एक वजह है आपके मूवी देखने की। वहीं इसके राइटर हैं जूही चतुर्वेदी, जिनको 2013 और 16 में विक्की डॉन और पीकू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो बात करें एक्टर की, तो हम सब अमिताभ सर के फैन तो हैं ही, उनकी एक्टिंग को देखना इस मूवी में काफ़ी दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने एक बूढ़े लालची के किरदार को काफ़ी वेल डिफाइन किया है। और जब जब आपको मूवी में अमिताभ सर दिखेंगे तो आपको मूवी देखने के लिए एक नया इंटरेस्ट दे देंगे। वहीं फारूक जफर उनकी बेगम फातिमा बेगम के रोल में नजर आएंगी, जिनके नाम पर हवेली के नाम को रखा गया है, और उनकी एक्टिंग भी मूवी में चार चांद लगा देती है। जहां फातिमा और जफर की नोकझोंक आपको देखने को मिलती है, वहीं इस मूवी में आयुष्मान जो कि एक रेंटर के रोल में हैं, वो इस बार पहले नंबर से दूसरे नंबर पर खिसक कर आ गए हैं अमिताभ सर की एक्टिंग के बदौलत। इस मूवी का सारांश यही है कि मिर्ज़ा साहब फातिमा बेगम की हवेली हड़पना चाहते हैं, जिसमें 5 से 6 किरदार 50 से 60 सालों से रह रहे हैं, वो भी 30 रुपये प्रति महीना पर, और वो अब घर खाली करना नहीं चाहते। इस नोकझोंक में एंट्री मारते हैं विजय राज एज आर्कोलॉजिस्ट बनके, और इनकी भी नज़र हवेली पे ही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मिर्ज़ा हवेली को हड़प पाता है या नहीं, वहीं आयुष्मान अज़बा के क्या इस हवेली को खाली कर देगा, फातिमा बेगम का क्या होता है क्या नहीं, विजय राज एज ज्ञानेश शुक्ला हवेली को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर देगा, ये सब ड्रामा आपको अमेज़ॉन प्राइम पे देखने को मिल सकता है। स्टोरी की 2 घंटे की लेंथ शायद आपको थोड़ा बोर भी कर दे। वहीं इन सब बड़े एक्टरों के बीच एक एक्टर ने अपनी जगह बनाई, वो है सृष्टि श्रीवास्तव एज गुड्डो। इनकी एक्टिंग और हाजिर जवाबी मूवी को 4 चांद लगा देती है। मैं इस मूवी को 1 टाइम वॉच कहूँगा, बट हाँ जिनको एक्शन और थ्रिल मूवी पसंद है शायद उनको ये मूवी पसंद ना आए। वहीं इस मूवी के ह्यूमर को जानने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, बाकी डिसीजन आपका है। वहीं मैं इस मूवी को 4 out of 5 stars दूंगा, 1 star इसके डायरेक्शन और राइटिंग के लिए, 1 star इसकी लोकेशन और कॉस्ट्यूम के लिए, 1 star अमिताभ सर और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग को, और 1 star मैं दूंगा फातिमा बेगम को। 1 negative star जो मैंने दिया है वो इसके थोड़ी स्लो राइटिंग और एंडिंग की वजह से दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो या कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डार्क एनर्जी।